फैशन डिजाइनर मारिया बी से मिलने डिफेंस लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान में फैशन डिजाइनिंग की तारीख कुछ पुरानी नहीं है। फौजी मेजर की बेटी इस शोबे में आ कैसे गई? सबसे पहले ये मेरा ख्याल है कि मैं एटमी साइंसदान बन जाती हूँ, एक कोई अच्छा सा एटम बम बनाऊंगी जिससे पूरी दुनिया डर जाएगी। जब मैं तकरीबन आई थिंक 13 साल की थी 14 साल की, तो फिर मैंने एक डिसीजन ली कि नहीं, मैंने डिजाइनिंग और आर्ट की तरफ जाना है। मेरा लिटरेचर में बड़ा रुझान था। मैं रूमी, मौलाना रूमी को मैं 15 साल से पढ़ रही हूँ। फिर जब एक डिसीजन ले लिया कि जी ये करना है, तो फिर यू नो मैं पूरा उसमें इमर्स, जो कहते हैं ना कि उसके अंदर मैंने डुबकी मार दी, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फैशन की दुनिया के बड़े बड़े नाम तो अक्सर प्रोफेशनल पढ़ाई के बगैर ही काम शुरू कर देते हैं। आपने कितनी तालीम हासिल की? पहला पाकिस्तान का जो क्वालिफाइड बैच निकला है, मतलब जिसके पास बाकायदा हमारे पास डिग्री है फैशन की, वो मेरा ही बैच था। फैशन दुनिया की तो हर बात निराली होती है, मारिया बी नाम कैसे रख लिया? मेरा नाम मारिया बट था, तो बी बस निकाल के मारिया बी हमने कर लिया। करोड़ों में आमदन है, सालाना कितने लिबास बना लेती होंगी? अगर आप नंबर्स देखें तो हजारों लाखों तक पहुंच जाते हैं हमारे गारमेंट्स पर मंथ। अक्सर तख्लीकी लोगों की जाती जिंदगी में सदमात भी होते हैं, आप वालदैन के साथ रहती हैं, क्यों? मतलब मेरी डिवोर्स हुए हुए भी 4 साल हो गए हैं। मैं अपनी बेटी को माशाल्लाह एक माँ बाप दोनों की तरह पालती हूँ, लेकिन इसको मैंने कभी फील नहीं करने दिया कि मतलब इसकी ज़िंदगी में कोई मिसिंग है। फातिमा के जो अबू हैं वो आजकल भी मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं, इसे मिलते हैं, बाहर लेके जाते हैं। पाकिस्तान में तलाक औरत के लिए बहुत बड़ा ताना है, हुई कैसे? तलाक का लफ्ज़ इतना लोग डरते हैं कि ओह माय गॉड तलाक हो जाएगी। इस्लाम में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप दीन को क्यों नहीं देखते हैं? हम लोग वो हिंदू कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं, जी तलाक हो गई तो औरत को जो है ना वो सत्ती पे जला के मार दो। मैं बहुत छोटी भी थी, मैं आई थिंक 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई है। अब जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती 25 साल की, मुझे थोड़ा सा आइडिया होता कैसे हैंडल करना है चीज़ें, शायद मेरी तलाक ना हुई होती। थी मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत बड़े भी थे। कितना फ़र्क था? काफ़ी फ़र्क था, काफ़ी ईयर्स, तकरीबन 20 साल का फ़र्क था। तो उसमें एक कंपैटिबिलिटी हमारी कभी मसला नहीं हुआ, लेकिन हमारे माशरे में ये बहुत है कि हर कोई दखल देता है। दूसरी शादी थी उनकी? हाँ जी, दूसरी शादी भी थी, तो इसलिए और भी यू नो अलामत होते हैं पीछे। अगर चाहे भी बंदा तो पीछे से बहुत से पॉलिटिक्स चलते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स चलती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई बात नहीं, सब घरों में चलती हैं। अगर किस्मत में हो तो चल भी जाती हैं शादियाँ, पूरी पूरी ज़िंदगी निभाते हैं लोग, किस्मत में नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता तैयार था। क्या फैशन डिजाइनर को भी अदाकाराओं और मॉडल्स की तरह दुबला पतला रहना पड़ता है? हम लोग क्योंकि एक ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, मतलब लाइमलाइट में होते हैं, टीवी पे आते हैं, तो बेहतर ये है कि अपना भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा बहुत ख्याल करती हूँ, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये करें। लाहौरी कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक है, सिरी पाए निहारी और पराठे तो अच्छे लगते होंगे। सब कश्मीरियों का आप एक साथ बिठा दें, उनकी एक कमज़ोरी होती है, हमें खाने पीने का बड़ा शौक है। हमारे घर में सुबह नाश्ते के लिए भी हरीसा होता है सर्दियों में, हरीसा कुलचों के साथ, और निहारी भी पकती है, और सिरी पाए तो हम सबके फेवरेट है, ओजड़ी भी हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो डाइट का ख्याल कैसे रखती हैं? वो जो एक चक्की का आटा आते हैं ना, वो हमारे घर स्पेशली आता है, मैदा नहीं यूज़ करें आप। अगर आप रोटी खाएंगे सालन के साथ, उसके बाद कावा ग्रीन टी पिएं, चाइनीज़ टी होती है, या कावा होती है, कावा मैं स्पेशली बनवाती हूँ अपने लिए, सौंफ अजवाइन का, वो पी के सब कुछ हजम हो जाता है, लेकिन मीठा फिर आप उसके 3 घंटे बाद खाएं और आप कभी मोटे नहीं होंगे। फैक्ट्री के लिए रवाना हुई। हमारी फैक्ट्री है हमारी अभी की, हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं, मतलब ये कि हमारी सारी डाइंग प्रिंटिंग अड्डे का काम सारा वो हमारा यहाँ पर होता है। पाकिस्तानी मिडिल क्लास को ये शिकायत है कि फैशन डिज़ाइनर्स के कपड़े बहुत महंगे होते हैं। बहुत से डिज़ाइनर्स हैं इस तरह के जो बहुत महंगे हैं, जिनके कपड़े स्टार्ट ही होते हैं 15-20-18,000 से।
हमारे जो कपड़े हैं ना, हमारे पास 5 रेंजेस हैं, जिसमें से सबसे सस्ता हमारा 900 रुपये में भी लॉन का सूट मिल जाता है। 10-15 लाख तो आम बात है। आपने सबसे महंगा ड्रेस कितने में तैयार किया? शादी का जोड़ा जो एक है, अगर आपका इतना बजट है तो 2.5-3 लाख में भी लोग बना लेते हैं। जिनका कम होता है 50,000 में भी हम बना देते हैं, जो हमारी डिफरेंट रेंजेस हैं। समाजी रसूम पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि शादी के लिबास पर लाखों रुपए खर्च करना अय्याशी है, वो जोड़ा तो फिर कभी पहना भी नहीं जाता। देखिए, मेरा भी पर्सनल ये है राय कि इतना हमें एक्सपेंसिव नहीं करना चाहिए। नए डिजाइनों को हतमी शक्ल दी। मुख्तलिफ शोबों के स्टाफ को हदायत दी। वो खुद रोजाना बेटी को स्कूल से लाती और छोड़ती, घर वापस पहुंची,